गुरु जी मेरे घर पर कैसे आते हैं, ऐसे मैं अपना सत्संग शुरू करूंगी। गुरु जी मेरे घर में कैसे आते हैं, मुझे बहुत ही कम टाइम हुआ है संगत जी जुड़े हुए, लेकिन रिश्ता इनके साथ जन्मों जन्मों का है। मेरा मतलब मैं अप्रैल में गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, बट ऐसा लगता ही नहीं कि मैं अप्रैल में जुड़ी हूँ। मुझे लगता है कि मैं इनके साथ जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा इनसे प्यार ऐसा कनेक्शन मैंने मेरा गुरु जी के साथ हो गया कि मुझे कुछ भी अब अच्छा ही नहीं लगता गुरु जी के बिना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरु जी के बिना। इतना प्यार गुरु जी ने मुझे दिया, इतना प्यार हम नादान, मैं इतनी नादान बच्चे, इनकी इतना प्यार देने के लिए गुरु जी लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना, बहुत शुक्राना। मेरी कज़न है दीवांशी आंटी, मुझे रात को सपना आता है अप्रैल में, और सपने में गुरुजी आते हैं, गुरुजी आते हैं और उनके साथ एक संगत अंकल हैं, और उनके साथ संगत अंकल खड़े हुए हैं, और गुरुजी उस संगत अंकल को बोलते हैं कि इन्नू बुला। और बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मतलब इतना सुंदर मंदिर है, और गुरुजी ने लाल चोला डाला हुआ है, और इतने सुंदर गुरुजी का इतना तेज स्वरूप, उनका इतना सुंदर उनका रूप उस टाइम, और उनको बोलते हैं कि एक कुड़ी इन्नू बुला। मैं पास जाती हूँ तो मुझे संगत अंकल को एक गोल्डन कलर की डिब्बी देते हैं और कहते हैं इन्नू फड़ा, इन्नू ना मैं चंदन दी सेवा बख्शी है। मैं गुरुजी को जानती नहीं, मुझे रात को सपने में आए हैं, मैं गुरुजी को जानती नहीं, मैंने कभी भी मतलब इनका, मैं दीवांशी का सत्संग ज़रूर सुनती थी बट मैंने कभी गुरुजी को देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं था इनके बारे में कुछ भी, सिर्फ उनका सत्संग उसका ज़रूर सुना हुआ था। और जब गुरुजी मतलब मैंने एकदम से मुझे पर सुबह उठी और मुझे पूरा सपना याद रहता है कि गुरुजी ने मुझे चंदन की सेवा दी है, और ये है कौन, कौन है गुरु ये जो मुझे सपने में आकर दर्शन देकर गए हैं। और मैं अपने मास्टर जी को फ़ोन करती हूँ और उनको बोलती हूँ कि मास्टर जी कि ऐसे ऐसे मुझे इन गुरु का सपना, ये गुरु जी का सपना आया है और उन्होंने मुझे ना चंदन की सेवा बख्शी है, तो मुझे क्या करना है। वो कहते बेटा तू ना इसके बारे में ना दीवांशी से पूछ, वो तुझे ज़्यादा बता देगी। मैं कहती हूँ ठीक है, तो मैं दीवांशी को फ़ोन करती हूँ, तो दीवांशी बोलती है दीदी, मैंने कहा गुरुजी ने ना मुझे चंदन, गुरुजी आए, कहती दीदी आपको बताऊँ कि गुरुजी कभी सपने में नहीं आते हैं, वो प्रत्यक्ष आपके घर में आना चाहते हैं, उन्होंने आपके घर में प्रवेश कर लिया है, तो वो आपके घर में आकर, कहती दीदी चंदन की जो मैंने सुना है, कहती कि चंदन की सेवा जिसको बख्शी जाती है, शायद आपके घर में कोई बीमार चल रहा है। तो मैंने उसे बोला कि दीवांशी मेरे घर में बीमार ना मैं ही चल रही हूँ, मेरा ही लिवर प्रॉब्लम है, मेरा ही लिवर जो है, अगेन गुरुजी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि मेरा लिवर 20% वर्क कर रहा है, दैट उस टाइम मेरा लिवर जो था 20% वर्क कर रहा था, और मैं बहुत बीमार चल रही थी, मतलब कभी ना कोई प्रॉब्लम मुझे चलती जा रही थी, मैं ठीक ही नहीं रह रही थी। तो मैंने कहा मुझे करना क्या है दीवांशी, तो कहती दीदी आपको कुछ, मैंने कहा मेरे पास तो इनका कोई स्वरूप भी नहीं है, तो वो बोलती है कि दीदी कोई बात नहीं, आपके पास स्वरूप कल सुबह पहुंच जाएगा। जैसे ही संगत जी मेरे घर में रात को वो मेरे अंकल के घर में शॉप पर देकर आती है, और जैसे ही स्वरूप मेरे पास आता है, इतनी खुशबू के साथ मेरे घर में इतनी खुशबू, आप मानोगे नहीं, जैसे गुलाब फेंके होते हैं कहीं पर, इतनी खुशबू के साथ गुरुजी मेरे घर पर आते हैं और मैं चंदन की सेवा उनकी करनी शुरू कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। और पिछले सत्संग से पहले ही मेरा सत्संग गुरुजी ने इतनी जल्दी एक सत्संग मुझसे, मेरा सत्संग की सेवा ली गुरुजी ने, उस सत्संग से उसी दिन गुरुजी ने मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, सिर्फ चंदन के टीके से और जल प्रसाद से गुरुजी ने मेरा लिवर बिल्कुल नॉर्मल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, ये सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुजी, और कोई नहीं कर सकता, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। और संगत जी ये वाला स्वरूप मेरे घर में दीवांशी ने, बड़ा स्वरूप मुझे मतलब जैसे जैसे चाह कहते हैं हम स्वरूप, मैं अभी मन में सोच रही थी और दीवांशी आंटी बोलते हैं कि दीदी मैं आपको ना बड़ा स्वरूप भेज रही हूँ,
मैं कह रही हूँ दिवांशी, मैं गुरुजी से बोल ही रही थी, काश गुरुजी आपका ना बड़ा सब रूप मेरे पास, पहले ये छोटा आया था कि काश बड़ा सब रूप आ जाए, तो गुरुजी ने वो बड़ा सब रूप भेजा। और संगत जी, 31 मई को मेरी बेटी का जन्मदिन भी होता है और मैं चाहती थी कि गुरुजी का भी समाधि दिवस होता है उस दिन, कि उस दिन बड़ा सब रूप फ्रेम होकर मेरे घर में लग जाए। और मैंने अपने कज़न को दिया कि ये फ्रेम करवा ला, वो अपने बाइक पे लेकर जाता है, गुरुजी का स्वरूप उड़ जाता है वहाँ पर, वहाँ से उड़ गया, और वो गुरुजी का स्वरूप उड़ जाता है और वो उड़कर 37 का गुरुद्वारा उसके पास जाकर गिर जाता है। और उसके बाद वो उसको उठाने के लिए वहाँ से बाइक से नीचे उतरता है, वो उसके साथ ही मंदिर है, वो उस मंदिर में उड़कर चला जाता है। वो बोल रहा है कि ये तो स्वरूप गुरुजी का मेरे हाथ में आ ही नहीं रहा है, ये मतलब कौन है? तो उसके ऊपर से एक गुरुजी के स्वरूप के ऊपर से एक जीप निकल जाती है। संगत जी, जीप निकल जाती है, वो मुझे बताता नहीं है उस, जब वो ये फ्रेम करके उस टाइम उसने, वो कहता है कि ये तो स्वरूप खराब हो गया, ये अब क्या होगा इसका, तो वो फिर भी उसको फ्रेम करवा कर, उसको क्लीन कर कर फ्रेम करवा कर लेकर आता है। और उन्होंने मुझे ना, मतलब जब पूरा मेरा घर का फंक्शन हो गया तो मुझे बताता है कि प्रतिका एक बात बोलनी थी आपसे। तो मैंने कहा क्या बोलो? तो कहते कि ना ये स्वरूप ना किसका स्वरूप है, ये तो उड़ता ही जा रहा था, ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा था, और इसके ऊपर से जीप निकल गई, तुझे दिखा निशान तो नहीं दिखाई दे रहे इस पर? तो संगत जी, मैं एकदम परेशान हो गई और मैंने बस गुरु जी को बोला कि गुरु जी क्या लीला है आपकी, आप जाने, बट मुझे बहुत ये हो रहा कि क्या हुआ है, ऐसा क्या होना था जो ऐसी बात हो गई। संगत जी, इसका आंसर मुझे कैसे मिलता है? मेरी गाड़ी में इसके बाद, जैसी मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ अगले दो दिन के बाद, मेरी गाड़ी में से, मैं आपको दिखाती हूँ, मेरी गाड़ी में से शहद की वर्षा शुरू हो गई। संगत जी, शहद की वर्षा मेरी गाड़ी में से शुरू हो गई और मेरी छत में से, गाड़ी की छत में से शहद निकलना शुरू हो गया। और मैं मतलब सोचूं कि ये मेरी गाड़ी में से शहद क्यों निकल रहा है, और ऊपर से मेरी बेटी बोलती है, मम्मा ये तो बहुत मीठा है, और ये इसके तो मतलब छींटे मेरे सिर पर गिर रहे थे, पूरे ऊपर बैग से परी मेरी बेटी के ऊपर उसके छींटे गिर रहे हैं। और मैं बोलती हूँ कि शुक्राना मेरे मालिक का कि ये वो ही कर सकते हैं। संगत जी, ये शहद के छींटे मेरी गाड़ी में से निकल रहे हैं ऊपर से, और इतना मीठा, इतना मीठा कि मतलब मैं शुक्राना मेरे मालिक का कि उन्होंने मुझे, उसके बाद ही मुझे समझ नहीं आया कि मेरी गाड़ी में से छींटे शहद के क्यों, शहद वर्षा क्यों गुरु जी ने गाड़ी में क्यों दी। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं पीर पर जाती हूँ, और मैं थर्सडे को पीर पर गई हुई थी, मैं साईं बाबा को और बहुत मानती हूँ, तो मैं पीर साईं बाबा और मैं गुरु जी के, मतलब ऐसे सबका कनेक्शन एक है, मैं साईं और गुरु जी को एक ही रूप में, मुझे गुरु जी हमेशा साईं रूप में ही दर्शन देते हैं। और गुरु जी ने वहाँ पर कि मैं पीर पर, मेरे 5 घंटे मैं पीर पर लगाकर मैं रास्ते से वापस आ रही हूँ, तो मुझे पुलिस वालों ने, मैंने गलती से लाइट क्रॉस कर दी, तो मुझे पुलिस वाले ने रोक लिया एक ना, तो मैं वहाँ पर, उन्होंने रोक लिया मुझे, तो मैं बोलती हूँ, मैं उतर के मैंने साइड पे गाड़ी लगाई, तो मैं वो जो जूनियर पुलिस वाला था वो मुझसे बहस करने लगे, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा आप चलान कर दो, कोई बात नहीं, मेरी गलती है तो मैं मानती हूँ। तो मैं उतर के वहाँ पर एक बड़ा उनका जो हेड ऑफिसर्स खड़े थे, तो मैं उनके पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं उनके पास जाती हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं, संगत जी आप ध्यान से सुनना वो मुझे क्या बोलते हैं। मैंने उनको बोला अंकल कि ना मेरे से गलती हुई है, और मैं कुछ, शायद मैंने कुछ गलत किया होगा वहाँ पर, कुछ मैं इतनी देर पीर पर बैठ कर आ रही हूँ, वहाँ पर कोई गलती की होगी, मुझसे कोई गुनाह हुआ होगा, शायद मुझे ये सज़ा थोड़े से कट रही। वो बोलते, उन अंकल ने मुझे क्या बोला कि कमलिए तेरा ना आगे जाके ना एक्सीडेंट होना सी, और तेनू तेरे गुरु ने ना बचा लिया। और संगत जी, मैं हाथ पैर मेरे घुसबम, और मैं हिल गई कि कोई पुलिस वाला मुझसे ऐसे कैसे बात करेगा कि कमलिए कि तेरा ना आगे जाके एक्सीडेंट होना सी, और तेनु गुरु ने, तेरे ने जिदे गुरु दे कोल तू लड़ लगी है उन्हें तेनु बचा लिया। संगत जी, मैं मतलब शुक्राना मेरे मालिक का, मुझे उसका आंसर इस टाइम जाकर सत्संग मेरा पूरा हुआ
कि मेरा एक्सीडेंट होना था, जो गुरुजी ने गाड़ी निकाल कर अपने उसके ऊपर पहले ही लेकर जल वर्ष शहद वर्षा मेरे ऊपर कर उस सत्संग को पूरा किया, कि मुझे बता दिया कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मेरे गुरु ने मेरे मालिक ने अपने सिर पे ले लिया है। हम कुछ नहीं कर सकते उसके हम ऐसे, मतलब इतना प्यार वो ही हमें कर सकता और कोई नहीं कर सकता। अगर जब हम इनसे डायरेक्ट कनेक्शन बैठाकर ये हमसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांगते हैं कि आप मेरे साथ बैठो और मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दो, मैं आपका, आप एक चीज़ मांगोगे मैं आपको 1000 दूंगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरुजी ने अपना नामदान बख्शा है, अपना इतना सुंदर सा शब्द जो हम थोड़ा देर भी अगर गुनगान उसका कर लेते हैं ना, तो हमारे मन को इतनी तसल्ली मिलती है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं उसके अलावा। मैं खाना बनाती हूँ, मैं सोती भी हूँ तो मंत्र जाप मेरे मन में चलता रहता है। गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी, एक और सत्संग जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे घर में ना, मतलब गुरुजी ने एक स्वरूप में, अपने इस स्वरूप में लिख दिया कि 31 और एक स्वरूप में लिख दिया PS। और मैं बोलूँ टीके पे, गुरुजी ये क्या आप मुझे कहना चाहते हो कि एक में आपने PS लिख दिया है और एक में आपने 31 लिख दिया, आप मुझे बोलना क्या चाहते हो? संगत जी, मैंने ना, मुझे याद आता है कि मैंने 31 मई को ना अपनी बेटी का साईं संध्या सुखी हुई थी, और वो कोरोना के करके वहाँ से मंदिर वालों की तरफ से उन्होंने बोल दिया था कि अभी नहीं होगी। और संगत जी, जैसे ही मतलब मेरे मन में कि गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, मन में आया, तो मैंने अनु आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो मैं संगत से ही पूछ लूँ कि इसका गुरुजी बोलना क्या चाह रहे हैं मुझसे, कि शायद संगत के थ्रू ही मुझे अंकल गुरुजी बता दें। तो मैं आंटी को फ़ोन करती हूँ, अनु आंटी को, तो अनु आंटी बोलते हैं बेटा PS को ना कैलकुलेट कर, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, बट इसको कैलकुलेट करके दे क्या, मतलब क्या नंबर के अकॉर्डिंग क्या आता है। तो उसमें आया 8 जुलाई, तो और 8 जुलाई को था थर्सडे, तो थर्सडे 8 जुलाई को होना, तो मैंने कहते वो ना गुरुजी ना तुझसे कह रहे हैं कि तू साइन संध्या कर दे 8 जुलाई को थर्सडे को। तो मैंने शुक्राना गुरुजी, तो कहते मैं तेरे साथ ना लाइव भी कर दे, ऐसा कर किसी को भी मत बोला, तो लाइव भी आ जा। संगत जी, उस दिन मेरा लाइव नहीं हो पाया, और मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुजी लाइव क्यों नहीं आपने किया, और मेरा पर इतनी, मतलब इतना सुंदर सत्संग गुरुजी ने साईं बाबा का मेरे से लिया, और मैंने खुद साईं बाबा को स्नान कराया, जो पंडित जी करते हैं वो मैंने खुद सारी हर चीज़ खुद गुरुजी ने मेरे हाथ से कराई, कि ये सेवा तेरी है तो तू खुद कर, तू स्नान भी खुद करा गुरुजी साईं जी को, और खुद उनको अपना तैयार करा। और एक दिन पहले ही दीवानशी आंटी के घर में सत्संग था, और उस सत्संग में मुझे उनका था 6 से 7 का, और मुझे गुरुजी ने बुला लिया 5 बजे। और शुक्राना गुरुजी, मैं बोलती हूँ, वो बोलते दीदी आपको सत्संग का पता नहीं था? मैंने कहा शायद गुरुजी ने बुला लिया पहले मुझे, अब मैं क्या करूँ? तो कहती दीदी मुझे लगता है गुरुजी ने आपको पहले बुला लिया है। और मैं गुरुजी के साथ बैठी हूँ वहाँ पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, और मेरी ना चाह हो रही कि मैं पूरा सत्संग सुन के जाऊँ, बट मेरी बेटी है वो नीचे अपने पापा को, अमित अंकल को तंग कर रही थी अपनी शॉप पे, तो मैंने अपने मास्टर जी को बोला कि आप ना उन केक कटिंग से पहले, वो मेरा जाने को हो रहा है तो मेरा मन नहीं है, और मैं गुरुजी से बोली भी जा रही हूँ मेरा मन नहीं है, मेरा पूरा केक कटिंग से पहले गुरुजी मैं नहीं जाऊँगी। तो मैं मतलब बैठी हूँ, और ऐसे में मास्टर जी बोलते हैं रुक मैं उसको लेकर आता हूँ, और मैं चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड भी और मेरे अंकल अमित अंकल भी इस सत्संग से मतलब अपनी हाजिरी उस सत्संग में लगा कर जाएं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि गुरु हमारी ना छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, मतलब हम छोटी सी बात बोलते हैं वो ऐसे पूरी करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे पूरी कर रहे हैं। और उसी टाइम मेरे मास्टर जी मेरी बेटी को लेने गए हैं, तो साथ में मेरे अंकल वो आ गए, और हमने साथ में शुक्राना गुरुजी का किया, आरती की, और वो भी आरती के वक्त, केक कटिंग के वक्त गुरुजी ने उनकी हाजिरी भी ली। शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुजी का।
और संगत जी उसी चोले जो चोला उसके घर पे गुरु जी ने डाला था वो उसी चोले पे अगले दिन मेरे घर पर भी वो उसी चोले पे गुरु जी मतलब हाजिरी गुरु जी ने अपने आप आकर उनके मतलब इतना सुंदर स्वरूप गुरु जी ने अपना वहां पर दिखाया। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। गुरु जी ऐसी हमारी बाँह पकड़ के रखना। हम नादान बच्चे, हम बहुत गलतियां करते हैं, इतनी गलतियों का हम करते हैं, बट ये ऐसे पिता हैं जो हमारी गलतियों के साथ हमें अपनाते हैं, हमारी गलतियों को हमें उन लोगों से दूर करते हैं। संगत जी सच में मतलब हमारी नेगेटिव, जो लोग हमारे अंदर नेगेटिविटी लाते हैं, जो लोग हमारे लाइफ में नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं, ये उनको सबसे पहले हमसे दूर कर देते हैं कि इन लोगों से तू दूर हो जा। और गुरु संगत के पास उतना ही नज़दीक लाते हैं कि गुरु संगत में जाएगी, गुरु की लड़ लगेगी। एक्चुअली गुरु के बिना हमारी गति है ही नहीं है, तो जो गुरु कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। और इसीलिए मैं साईं साईं भगत थी, तो मुझे साईं की दीवानी के साथ साथ गुरु की दीवानी गुरु जी ने मुझे बना लिया। और मुझे उसका आंसर भी मिला कि मैंने संगत जी गुरु जी ने मुझसे सेवा ली, मुझसे शब्द लिखवाए अपने सत्संग से पहले। और इसीलिए उन्होंने मतलब मेरा सत्संग लाइव नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उस शब्द को मतलब रिकॉर्ड करूं। और मैं एक्चुअली शुरू से मेरा बचपन से ड्रीम था सिंगर बनने का, बट मेरा लाइन चेंज होने के बाद मैं सिंगर की मेरी लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई, तो मैंने अपनी लाइन चेंज कर ली थी। नहीं तो हम बचपन से गाते थे और मेरा बचपन से सपना था सिंगर बनने का। तो गुरु हमारी ना छोटी छोटी ख्वाहिशों को जानते हैं कि ये क्या करना चाहती है अपनी लाइफ में। तो वो उन्होंने मुझसे उस टाइम गवाया। और मतलब मैं गाना, मुझे मेरा ऐसा था कि मैं गाना इतना पसंद करती हूँ, तो मैं मुझसे वो शब्द लिखवा कर उन्होंने उस शब्द में से मेरे से इतना मतलब ऐसा मुझे उसमें खो दिया। मैं शब्द को जब भी गाती हूँ तो मैं खो जाती हूँ उस शब्द में। तो गुरु जी ने मुझसे इसीलिए वो सेवा भी ली। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग है कि जो जब मेरे मतलब जब ये साईं बाबा की मैंने चंदन की सेवा शुरू की थी और जल प्रसाद की सेवा शुरू की, उसके बाद क्या होता है कि हम कोरोना के टाइम पे, अभी तो हस्बैंड सब काम पे शुरू हो गया, गुरु जी ने सब बिल्कुल ठीक कर दिया। तो पहले हम दोनों मतलब घर पर हो गए, तो हमारा फाइनेंशली थोड़ा सा टाइट हो गए। तो मैं बोल रही हूँ गुरु जी के साथ बैठ के बात कर रही हूँ कि गुरु जी मैं ना बहुत मतलब मैं किसी से तो ना, आप सब जानते हो कि मैं किस लाइफ किस स्ट्रगल से फेस कर रही हूँ, तो आप कुछ करो ना, देखो ना कि क्या हो सकता है। तो हमारा एक फ्लैट पड़ा था, तो हम चाह रहे थे कि उसको सेल कर दें। तो संगत जी जैसे ही मेरे अंकल जाते हैं, गाड़ी तक पहुँचते हैं, तो उनको एक बाबा आते हैं वहाँ पर उनके पास, और ना उनके सिर पर हाथ ऐसे रखते हैं और ना मेरे हस्बैंड पीछे करते हैं, तो वो दक्षिणा मांगते हैं। तो मेरे हस्बैंड उनको दक्षिणा देते हैं और वो उनको बोलते हैं जा ऐश कर, जा कल्याण कितना तेरा। और ना मेरे हस्बैंड ना हैरान हो जाते हैं, देखते हैं कि कौन है, और वो पीछे होकर ना, और जब वो गाड़ी में बैठने लगते हैं, तो गाड़ी में बैठते वक्त उनको एक गोल्ड का साई स्वरूप, गोल्ड के साई स्वरूप लॉकेट मिलता है। उस लॉकेट उनकी सीट के ऊपर सीधा ऊपर पड़ा हुआ, और वो मतलब उस स्वरूप में मतलब वो स्वरूप वहां पर पड़ा। और मेरे हस्बैंड जब बैठने लगते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि ये स्वरूप यहाँ पर कैसे आया संगत जी। और मतलब वो उनका ना गूजबम्स हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कि ये किसने रखा है यहाँ पर, कि ये हो कैसे सकता है। तो मेरे मतलब हस्बैंड बोलते हैं कि ये वहां पर वो डील करने जाते हैं, और डील करते वक्त उनका ध्यान उस स्वरूप के ऊपर है कि ये वाला स्वरूप था वो ये मिलता है उनको। और मेरे हस्बैंड हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो वो वहां पर पहुंचते हैं और ना वो डील जिस रेट में हमें डील चाहिए थी वो उसी रेट में डील फाइनल हो जाती है। शुक्राना मेरे मालिक का, मतलब वो जानते हैं कि किस टाइम हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो हमारी उसी टाइम उस टेंशन को दूर कर देते हैं। हम जिस भी मुसीबत में हैं, बस एक बार हम गुरुजी बोल दें कि गुरु
कि आपकी ज़रूरत है हमें, आप हमारे पास हो, आप ही हमारा सहारा हो, तो वो उसी वक्त हमारे पास आ जाते हैं, उसी वक्त हमारी वो चीज़ें पूरी करते हैं जो हमारी कोई भी नहीं कर सकता, कोई अपना कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ गुरु के अलावा। वो किसी ना किसी रूप में आकर आपको ऐसी पॉजिटिवनेस देते हैं, ऐसी शक्ति देते हैं कि आप उनके रंग में रंग जाते हो फिर। और वो चीज़ सिर्फ अपना गुरु ही कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। जैसे ही शब्द गुरु जी ने मुझसे लिखवाया, तो मैं ये शब्द सुनती सुनती, कल की बात है, शब्द सुनती सुनती मेरी बेटी मुझे बोलने लगी मम्मा पार्क पे जाना है। तो मैं शब्द सुन रही हूँ और सुनती सुनती पार्क में चले गई। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पर कोई भी फूल नहीं, कोई भी फूल नहीं, एक भी फूल नहीं पार्क में। और हमें ऐसी खुशबू आ रही जैसे किसी ने सेंट ही पलट दिया हो। और गुरुजी का लख लख शुक्राना। मेरी बेटी बोलती मम्मा खुशबू, और उसकी फ्रेंड आई हुई है वो बोलती है मम्मा कितनी खुशबू आ रही है। और संगत जी गुरुजी ने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस शो दिखाई, और मैं आसमान में देखती, मेरी बेटी देखती है, वहाँ पर गुरुजी का पूरा स्वरूप बना हुआ, गुरुजी अपने दर्शन, प्रत्यक्ष दर्शन हमें दे रहे। और उसके बाद क्या होता है कि 5 मिनट के बाद मैं शब्द सुन रही हूँ, तो एक आंटी आते हैं, बुजुर्ग से आंटी मेरे पास आए वहाँ पर, हम मेरी बेटी के साथ खड़ी है, और मुझे बोलते हैं कि की सुन रही हैं ते पंजाबी। और मैंने अपना वाला शब्द ही लगाया था जो मैं गा रही थी, मैंने वही रिकॉर्ड किया था, तो वही मैं सुन रही थी। तो कहते पंजाबी शब्द सुन रही हैं, कहते बहुत सोना है। और गुरुजी ने मुझे उस लेडी के थ्रू ये बता दिया कि जो तूने लिखा है वो बहुत सुंदर है, वो मैंने सुन लिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, नहीं तो वो मुझे जानती नहीं, कोई जानना किसी से कोई मतलब बात ही नहीं कभी उनसे मेरी हुई, और वो मुझे आकर क्यों बोलेंगी कि पंजाबी शब्द सुन रही है, किन्नू वेख रही हैं, की दिखा रही हैं बच्चों नू, मैनू भी दिखा, मतलब ऐसा क्यों बोलेंगे, और एक अनजान लड़की से आकर क्यों बोलेंगे, और तेरा घर कित्थे है, मैंने बोला वो वहाँ पर है। कहते अच्छा मतलब ये शुक्राना मेरे मालिक का, ये सिर्फ गुरु ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता, नहीं तो उन आंटी का मेरे साथ क्या कनेक्शन, जो कनेक्शन है मेरे गुरु जी का कनेक्शन है। तो वो उस आंटी के रूप में मुझे अपनी प्रेजेंस शो कर गए कि हाँ मैं तेरा शब्द सुन लिया है, मैनू पसंद आ गया। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। उसके बाद जैसे मैं घर पर आती हूँ, संगत जी मेरी बेटी को गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई, मेरी बेटी मेरे पास आती, शुक्राना मेरे मालिक का कि वो बच्चों के साथ भी इतना कनेक्ट हो रहे हैं मेरे बच्चों के साथ। मतलब मेरी बेटी अब गुरु के बिना कुछ भी नहीं करती, उसको छोटी सी भी चोट लगती है तो वो चंदन का टीका गुरुजी को लगाने आ जाती है, और फिर उसके बाद जहाँ पर लगी होती है वहाँ पर लगा लेती है। और संगत जी उसके बाद वो कोई मेडिसिन नहीं खाती है, सिर्फ जल प्रसाद और चंदन का टीका लगाती है, और गुरुजी हमारे साथ ऐसे ही हमारे सारे दुख दूर करते हैं। और मैं इनका लख लख शुक्राना करती हूँ कि हमारे साथ इतने प्यार, इतना कनेक्ट हो रहे हैं, इतना कनेक्ट, और सभी के साथ ऐसा ही कनेक्शन। गुरुजी आप ऐसे ही कनेक्ट करो और ऐसे ही सबके साथ अपना कनेक्शन, सब संगत को यही है कि डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ करो, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी। उसके बाद संगत जी एक सत्संग और है, बहुत प्यारा सत्संग है। मैं मतलब एलेंटे मॉल गई अपने कज़न के साथ, और वहाँ पर फिर मुझे ये स्वरूप गणेश जी के, मेरी गाड़ी के आगे कोई रख गया और ये गणेश जी मेरे घर में आ जाते हैं। इतने प्यारे हैं गणेश जी की, बिल्कुल गुरु जी मुझे ऐसे ब्लेस कर रहे हैं कि सब स्वरूप मेरे पास अपने आप चल कर आ रहे हैं, कि अपने सारे गुरु जी अपने हर रूप को मेरे पास खुद ही खुद कनेक्ट कर रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी बेटी का एक सत्संग बहुत प्यारा सा है कि हम रास्ते में, मैं अपनी मम्मा के घर से आ रही थी, और उसमें मेरी बेटी को आइसक्रीम खानी थी। अब देखो ना, गुरुजी को पता है कि बच्चे को क्या चाहिए, और हम पूरा, मैं घर से आ रही हूँ तो एक भी आइसक्रीम वाला मिल नहीं रहा, तो मैंने अपने घर का पूरा राउंड लिया, वहाँ पर खड़े होते हैं आइसक्रीम वाले, बट कोई नहीं खड़ा। और मेरी बेटी क्या करने लगी है,
मंत्र जाप कर रही है और गुरुजी से बात बोल रही है, गुरुजी मुझे आइसक्रीम खानी है, गुरुजी मुझे आइसक्रीम खानी है। संगत जी, मैं उस गली के जिस जहाँ पर होते, मैं तीन चक्कर, मैंने कहा देखो मैं लास्ट राउंड लगाऊंगी, अगर गुरुजी ने तुझे देनी होगी तो खिला देंगे वहाँ पर कोई। और संगत जी उस राउंड में उसी चक्कर जब एक राउंड अभी रिपीट किया, जब वो गुरुजी बोल रही है, वहाँ पर एक सिर्फ एक ही आइसक्रीम वाला खड़ा है और वो बोलते, देखा मम्मा मैंने कहा था ना कि गुरुजी हमारी आइसक्रीम मुझे देंगे आज। तो इतना प्यारा सा सत्संग गुरुजी ने उनका उसका बनाया कि एक आइसक्रीम की डिमांड जो बच्चा कर रहा था, तो गुरुजी ने उसकी आइसक्रीम की डिमांड भी पूरी की। तो हमारी छोटी से छोटी डिमांड का गुरुजी को पता है वो कैसे पूरे करते हैं, और वो ही पूरा कर सकते हैं और कोई भी नहीं पूरा कर सकता। लख लख शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी। और संगत जी, ये बहुत ही सुंदर गुरुजी ने मेरी सिस्टर के घर में आज, मेरी सिस्टर के घर में आज क्या हुआ, कल की बात है। वो एक स्ट्रे डॉग मतलब उसका ना एकदम सारा खून, मतलब उसको कोई वायरस हुआ था और उसको टिक्स पड़े हुए थे और उसका सारा ब्लड सक कर लिया था टिक्स ने, और वो बहुत तड़प रहा था, कल की बात है ये। और वो संगत जी उसका बेटा जो है उसको पेट केयर ले गया, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि ना इसको हम यहाँ पर नहीं रख सकते क्योंकि ये वायरस जो है डॉग टू डॉग मतलब वायरस फैलता है उन पे, तो ये वाला इसको आपको घर पर ही लेकर जाना पड़ेगा और इस डॉग के ना बचने के चांस कम होते हैं, ओनली 1% होते हैं। और इस डॉग ये ना इसको आपने ना शहद खिलाना है और इसको बहुत हीट में रखना पड़ेगा आपको। संगत जी वो घर पर लाकर मेरी सिस्टर का बेटा और सिस्टर, उन्होंने उसको हीटर लगा दिया और उसको शहद, गुरुजी को शहद का भोग लगाकर उसको शहद और जल के छींटे किए कि हे गुरुजी इसको इसको इसका कल्याण करो, इसको इस जन्म से, ऐसे जन्म से मुक्ति दो। संगत जी सुबह मैंने सिस्टर को फ़ोन किया कि क्या हाल है उसका। संगत जी उसने कहा कि तू मानेगी नहीं, मैंने सुबह इसको ना एक भोग, दूध का भोग लगाकर मैंने इसको भोग, गुरुजी का भोग लगाया और उसने पूरा पिया, और लेकिन उसकी सांसें बहुत फास्ट थी और इसके ऊपर मैंने जल और चंदन का टीका लगाया, और जैसे ही मैंने चंदन का टीका लगाया उसने अपने प्राण त्याग दिए और वो गुरुजी उसको ले गए। और उन्होंने ऐसे मतलब उस डॉग को क्यों भेजा और उसके साथ उनका कोई कनेक्शन था, हमारा कोई कनेक्शन था हमारा, गुरुजी ने उसको उसका कल्याण किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही संगत सब पर कल्याण अपना करें गुरुजी, सबकी ब्लेसिंग, सब पे अपना मेहरा पर हाथ रखें, सबकी मनोकामना को पूरी करें। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का।